यहाँ पर एक ये ईबुक है, इसमें बताया गया है कि जो फ्रीलैंसिंग लाइफ है उसको आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं। इसने एक ईबुक लिखी मात्र $45 में, इस ईबुक को सेल कर रहा है और 75 पेज कुल इस ईबुक के अंदर हैं, वो भी दोस्तों एक पीडीएफ के रूप में ईबुक लिखी हुई है। यहाँ पर एक और ये पीडीएफ है, इसमें बताया गया है कि ट्विटर पर आपको अपना बिजनेस कैसे बिल्ड करना है और वहां से आप $100 पर डे आप कैसे कमा सकते हैं। ये बंदा इसको 89 यानी कि $89 में सेल कर रहा है और 170 पेज की ये ईबुक है और अब तक जो इसकी कॉपी है वो 5,870 कॉपी सेल हो चुकी हैं। अगर हम इनको 5,870 को $89 से कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर बैठते हैं $522,430 इस बंदे ने अब तक इस ईबुक को सेल करके कमा लिया। अगर हम इन डॉलर्स को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो गाइस यहां पर बैठते हैं 4,32,10,655 रुपए। कैन यू इमेजिन दैट दोस्तों, कि एक ईबुक सेल करके यहां से ये बंदा 4 करोड़ रुपए तक अर्न कर पा रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी इसी तरह से ईबुक का बिजनेस करके, ईबुक सेल करके आप अगर ऑनलाइन कम पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा सॉलिड तरीका बताऊंगा ईबुक लिखने का कि आप उस टूल की मदद से ईबुक लिख करके आप यहां पर सेल कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उस टूल को बताना है कि भाई इस टॉपिक पर मुझे एक ईबुक चाहिए और वो आपको पूरी ईबुक लिख करके देगा, बस आपको इसको सेल करने के लिए यहां पर लिस्ट करना है। दोस्तों वो टूल है ChatGPT। दोस्तों हाल ही में ChatGPT को लॉन्च किया गया है। ChatGPT जो है वो एक AI टूल है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी है वो AI की टेक्नोलॉजी है। ChatGPT के पास हर तरह का डेटा है, आपको बस बताना है कि मुझे इस चीज पर ये चीज चाहिए, ChatGPT आपको लिख करके दे देगा पूरी ईबुक। आप चाहे उससे आर्टिकल लिखवा लो, आप चाहे उससे वीडियो की स्क्रिप्ट लिखवा लो, आप चाहे वीडियो का टाइटल डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिखवा लो, वो टूल आपको लिख करके दे देगा। तो दोस्तों इस टूल को यूज करने के लिए आपको जानना होगा ChatGPT क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं। तो आप अगर यूट्यूब पर डालोगे व्हाट इज ChatGPT तो यहाँ पर आपको काफी सारी वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ChatGPT ने यूट्यूब पर, गूगल पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमाल मचा रखा है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, या फिर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है ChatGPT के ऊपर, ChatGPT क्या है, कैसे यूज करना है, कौन कौन से बिजनेस में आप इसको यूज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो का आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाकर आप क्लिक करोगे पहले उसको देख लो कि ChatGPT क्या है और कैसे उसको यूज करना है, उसके बाद आप इस वीडियो में आएंगे। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा ईबुक सेल करके आप कैसे लाखों रुपए महीने के अर्न कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बता दें कि ये किस तरह का बिजनेस फॉलो करते हैं और कैसे आपको ईबुक लिखवानी है और कैसे आप कौन से प्लेटफॉर्म पर आप इनको सेल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलम और आप देख रहे हैं टेक्निकल फास्ट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ChatGPT पर जाना है। यहाँ पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर आ जाएंगे, इस पर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको पिछली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जाकर क्लिक करके उस वीडियो को देखो, अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा न्यू चैट पर। तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर ये एक इसका क्वेरी सेक्शन है, यहाँ पर आप जो भी टाइप करोगे, जो भी क्वेश्चन आप इससे पूछना चाहोगे वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछना है और ये आपका जवाब दे देगा। लेकिन हम यहाँ पर सीखेंगे कि ईबुक किस तरह की ईबुक आपको सेल करनी है और किस तरह की ईबुक ज़्यादा सेल होती हैं और वहाँ से आप कैसे रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए बना रखा है, बेस्ट वे टू मेक मनी यूजिंग ChatGPT। ChatGPT को यूज करके पैसा कमाने का सबसे सॉलिड तरीका मुझे लगा, वो मैं आपके साथ लेकर के आया हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक ईबुक क्रिएट करनी है ChatGPT का यूज करके और उसको आपको सेल आउट करना है। सेल आउट करना है एक वेबसाइट पर, तो उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। पहले हम सीखेंगे कैसे आपको ईबुक क्रिएट करनी है, उसके बाद हम जानेंगे वो वेबसाइट पर आपको कैसे अकाउंट बनाना और कैसे आपको ईबुक सेल करनी है। तो देखिए हम यहाँ पर तीन तरह की ईबुक सेल करने की बात करेंगे। सबसे पहले सेल्फ हेल्प ईबुक, यानी कि आपको खुद की प्रोडक्टिविटी, खुद का टाइम टेबल कैसे आप सेट कर सकते, टाइम टेबल से जुड़ी ईबुक लिख सकते हैं, या फिर हैबिट के ऊपर, हैबिट को कैसे, बुरी हैबिट को आप कैसे दूर कर सकते हैं, अच्छी हैबिट कैसे डाल सकते हैं, या फिर मोटिवेट कैसे रह सकते हैं, इस तरह की आप ईबुक लिख सकते हैं। और आप किसी की बायोग्राफी ईबुक लिख सकते हैं, जैसे कि एलोन मस्क हो गए, एलोन मस्क की बायोग्राफी हो गई, या फिर जो फेमस पर्सनालिटी है पूरी दुनिया के अंदर उनमें से कोई से भी एक बंदा उठाओ, उसकी जो भी ज़्यादा सर्चेबल हो इंटरनेट पर, उसकी ईबुक लिखो और सेल आउट के लिए आप वेबसाइट पर लिस्ट कर दो। या फिर आप दोस्तों सोशल मीडिया मार्केटिंग टिप्स ईबुक लिख सकते हैं। यहाँ पर जो अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग टिप्स जो ईबुक होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेल आउट होती हैं, जो कि सोशल मीडिया मार्केटर होते हैं वो इसको बाय करते हैं पढ़ने के लिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि आपको ईबुक लिखने के लिए कहाँ से शुरुआत करनी है। तो देखिए
तो सबसे पहले हम जानेंगे बायोग्राफी ई बुक आपको कैसे लिखनी है। तो सबसे पहले आपको गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद मैंने यहाँ पर सर्च किया हु इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन द वर्ल्ड। तो जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया तो मैंने यहाँ पर कोई भी आपको एक वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। मैंने भी यहाँ पर एक ही वेबसाइट पर क्लिक किया और यहाँ पर टील मंगो करके वेबसाइट है। इसने 20 फेमस पर्सन बताए हैं पूरी दुनिया में। यहाँ पर हमें पहला पर्सन नजर आया ड्वेन जॉनसन। तो हमने यहाँ पर ड्वेन जॉनसन का नाम कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर ईबुक में जाएंगे एंड आपको जो पैराग्राफ में दे रहा हूँ इसको कॉपी कर लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो मैसेज मैंने लिखा, गिव मी कंप्लीट आउटलाइन फॉर ड्वेन जॉनसन इन सीक्वेंस बिकॉज आई वांट टू राइट एन ईबुक। तो यहाँ पर ये जो लाइन है इसको लिख लेना है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग ईबुक लिख रहे हैं तो यहाँ पर इसको कट करना है और यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स ईबुक यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। या फिर आप यहाँ पर एसईओ से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं तो इसकी जगह एसईओ लिख देना है। या फिर आप सेल्फ हेल्प बुक चाहते हैं तो यहाँ पर सेल्फ हेल्प बुक लिख सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं टॉप 10 हैबिट तो यहाँ पर टॉप 10 हैबिट। या फिर चाहते हैं आप हाउ टू मोटिवेट पर एक ईबुक लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हाउ टू मोटिवेट लिख देना है। यानी कि जिस भी तरह की आप ईबुक लिखना चाहते हैं उसकी जगह आपको यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये टूल आपको ऑटोमेटिकली पूरी ईबुक का एक इंट्रोडक्शन दे देगा, एक पूरा एक ब्रीफ समरी दे देगा किस सीक्वेंस में आपको इसकी बायोग्राफी लिखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक आउटलाइन एक रूपरेखा आ चुकी है। अब मैं इस रूपरेखा के अनुसार पूरी ईबुक लिख दूंगा जिस तरह से कि इस बंदे ने लिख रखी है 170 पेज में, इन्होंने लिख रखी है लगभग 75 पेज में और इस बंदे ने लिख रखी है मात्र 12 पेज में। तो इस तरह से आप पेज टू पेज बढ़ा सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर पूरी आउटलाइन आ चुकी है। अब आपको इस आउटलाइन को कॉपी कर लेना है। यहाँ पर इस तरह से कॉपी करेंगे एंड अपने वर्ड पेज में जाएंगे। बेसिकली आप यहाँ पर आएंगे गूगल डॉक्स वाले ऑप्शन पर एंड यहाँ पर हमें सारी को पेस्ट कर देना है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है। अब हम इसको कॉपी करेंगे या फिर आप यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से इसको फर्स्ट वाले को कॉपी करेंगे एंड इसको यहाँ तक कॉपी करेंगे इस तरह से एंड यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद इस पर लिखेंगे एंड यहाँ पर ये आ चुका है एंड यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा डैश लगाएंगे ताकि इसको पूरी तरह से समझ आ जाए कि हाँ ये पॉइंट है एंड यहाँ पर इसको कर्सर को रखेंगे एंड दोस्तों शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे हम। यहाँ पर ये जो एंटर है नीचे नीचे की तरफ ले जाएगा एंड यहाँ पर लिखेंगे हम राइट अबाउट इट फॉर ई बुक एंड एंटर प्रेस कर देंगे तो ये जो है हमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन के जितने भी पॉइंट हैं वो लिख करके दे देगा। एंड दोस्तों अब आपको ये लिख रहा है उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको प्रेस कर देना है एंटर एंड यहाँ पर लिख देना है इंट्रोडक्शन। इस तरह से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है एंड इसको जूम करेंगे आप, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको बोल्ड कर देना है, यहाँ पर आपको हेडिंग 2 पर जाना है एंड यहाँ पर आप इसको हेडिंग भी बना सकते हैं या फिर टाइटल भी और इसको यहाँ पर बीच में कर देंगे एंड यहाँ पर आपको एंटर प्रेस कर देना है एंड फिर से आपको चैट जीपीटी पर आना है। यहाँ पर इसने हमें लिख कर दे दिया है। हम यहाँ पर इसको जाएंगे एंड कॉपी करेंगे एंड कंट्रोल सी करेंगे एंड इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अगर आप इसके बारे में और इंट्रोडक्शन के बारे में और ज्यादा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एड सम इन्फॉर्मेशन इनटू पॉइंट। तो यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो है कुछ और इन्फॉर्मेशन इसमें इंट्रोडक्शन में ऐड कर देगा पॉइंट में। तो देखिए इस तरह से इसने पूरा आप इंट्रोडक्शन बना सकते हैं लेकिन मैं इंट्रोडक्शन इतना ही रहने दूंगा। अब आपको यहाँ पर ऊपर आना है। ये जो इसने हमें आउटलाइन दी थी उस आउटलाइन के हिसाब से हमें यहाँ से इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे एंड शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर लिख देंगे राइट अबाउट इट फॉर ई बुक एंड इसको हम कर देंगे यहाँ पर डैश डैश। इस तरह से करना है एंड इसने जो हमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी थी लेकिन हम इसको इतना ही रहने देंगे एंड इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमें सेकंड जो सेक्शन है सेकंड सेक्शन के बारे में लिखना शुरू कर देगा एंड हम थोड़ा सा वेट करेंगे एंड इसको भी उसी तरह से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर ला करके हम सबसे पहले यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर इसको डाल देंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड इसको भी हम हेडिंग 1 डाल देंगे एंड यहाँ पर इसको बोल्ड करेंगे एंड इसको यहाँ पर बीच में कर देंगे। या फिर आप गाइस इसको हेडिंग 2 भी बना सकते हैं, इस तरह से हेडिंग 2 बना सकते हैं एंड इसको बोल्ड करके यहाँ पर हम इसको एंटर प्रेस कर देते हैं एंड ये जो सेकेंड वाली चीज़ इसने हमें लिख करके दी यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में हम यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। तो बेसिकली ये जो अर्ली लाइफ एंड कैरियर के बारे में हो गया ड्वेन जॉनसन की एंड आपको पीछे की तरफ जाना है। पीछे की तरफ जाने के बाद में आपको जो सेकंड सेक्शन है राइज टू फेम आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपको यहां पर वापस आना है एंड यहां पर पेस्ट कर देना। अगर दोस्तों आप इनकी अर्ली लाइफ के बारे में और ज्यादा पॉइंट चाहते हैं
तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं राइट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड एंटर प्रेस करेंगे तो और ज्यादा इनकी अर्ली लाइफ के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देगा। अगर आपको यही इन्फॉर्मेशन इनफ लगती है तो आप इसको रहने देंगे। ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन काम आती है वो जब काम आती है जबकि आपको ज्यादा पेजेस लिखनी हो इनकी बायोग्राफी पर। अगर आप इतना ही लिखना चाहते हैं तो आपके लिए यही शॉर्ट ईबुक अच्छी रहेगी। अगर आप और ज्यादा बेहतरीन तरीके से बनाना चाहते हैं तो और ज्यादा बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए हम इनके जो सेकंड है राइज टू फेम वाला ऑप्शन थर्ड सेक्शन है हम उस पर लिखेंगे। तो हम इसको इस तरह से करेंगे एंड यहाँ पर इस तरह से करेंगे, यहाँ पर इस तरह से करेंगे एंड यहाँ पर शिफ्ट करके एंटर प्रेस करेंगे एंड लिखेंगे राइट अबाउट इट। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आपको इसको कॉपी करके इसके नीचे आएंगे एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अगर आपको वही इनफ लगती है तो वही रहने देंगे एंड हम इसके थर्ड सेक्शन के बारे में लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये थर्ड सेक्शन के बारे में लिखना शुरू कर दिया है। तो इसी तरह से दोस्तों आपको पूरी ई बुक तैयार कर लेनी है। आपको अपनी रूपरेखा यानी कि आउटलाइन के अनुसार जो कि आपकी आउटलाइन है वो आप आउटलाइन का फॉलो करते जाइएगा और अपनी ई बुक तैयार करते जाइएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन तैयार किया, अर्ली लाइफ एंड कैरियर तैयार किया एंड इसी तरह से आपके पास पूरी ई बुक तैयार हो जाएगी। अब आपको इसको तैयार करने के बाद में, रेडी करने के बाद में इसको यहाँ पर आना है एंड गाइस यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद में आप इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों पीडीएफ में सेव करने के बाद में आपके पास पूरी ई बुक आ जाती है। अब आपको इसको सेल कहाँ करना है तो आइए अब हम इसको सेल करने के लिए चलते हैं। देखिए सेल करने के लिए यह है एक वेबसाइट गुमरोड, तो आपको इस पर आना है। आने के बाद में यहाँ पर क्लिक करना है सेल पर, सेल वाले ऑप्शन पर। तो बेसिकली मेरा अकाउंट पहले से ही बना हुआ है तो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आप चाहे अपनी ईमेल आईडी से या फिर फेसबुक आईडी से यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम सेट करना होगा, यहाँ पर फोटो सेट करना होगा और आपका नाम पहले से ही यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी बायो सेट करनी है, कंट्री सेट करेंगे एंड गो टू योर होम पेज पर क्लिक करके इसके होम पेज पर चले जाएंगे। उसके बाद में गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्रिएट योर फर्स्ट प्रोडक्ट पर क्लिक करना है एंड अपने प्रोडक्ट का नाम दे देना है। जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, प्रोडक्ट का नाम दे दिया है एंड यहाँ पर किस तरह का प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि डिजिटल प्रोडक्ट है या फिर कोर्स या फिर कोई ट्यूटोरियल है या फिर कोई ईबुक है या फिर न्यूज़लेटर, मेंबरशिप, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक या फिर फिजिकल गुड, जो भी आप सेल करना चाहते हैं वो यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर करेंगे अपनी ईबुक सेल। तो हमने सिंपली यहाँ पर अपनी ईबुक सेलेक्ट कर ली है एंड यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है अपने प्रोडक्ट का प्राइस। दोस्तों आपको जैसे कि मैंने दिखाया $100, $200, $50, $25 आपको वो सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर आपको मिनिमम से मिनिमम सेलेक्ट करना है जो कि आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो क्योंकि आपको यहाँ पर कॉस्ट तो कुछ लगे नहीं, बस आपको सेल ही तो करना है। तो यहाँ पर आपको $0.50 भी आप सेल कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर $1 रखेंगे अपनी ईबुक का प्राइस। ईबुक उसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट कस्टमाइज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके जो हेडिंग है उसका नाम यहाँ पर आ चुका है। अब आपको जो आपने यहाँ पर ईबुक लिखी थी उसको यहाँ से एग्जैक्ट कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अदरवाइज आप यहाँ पर अपनी पीडीएफ भी यहाँ पर आप पेस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर डेटा को कॉपी किया एंड यहाँ पर डेटा को पेस्ट कर दिया। हमारा जो पूरा डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है। आप यहाँ से इसको भी कस्टमाइज कर सकते। तो यहाँ पर इस तरह से अपने हिसाब से पूरी तरह से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं आप। यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पर चैप्टर 1 दे दिया है तो आप इसको थोड़ा सा इटैलिक भी कर सकते हैं इस तरह से, ताकि जो ऑडियंस है वो पढ़ने आए तो इसको और ज्यादा यहां पर अट्रैक्टिव लगे। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आपको अगर आप चाहते हैं अपना यूआरएल सेट करना तो यहां पर आप अपने यूआरएल भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपके पास कोई कवर इमेज है तो यहां पर अपलोड इमेज और वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी कवर इमेज भी सेट कर सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि आपका जो कवर पेज है वो किस तरह का दिखाई देगा। यहां पर आप अपनी जो इमेज है, जो पीडीएफ है, उसका थंबनेल भी सेट कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी यहां पर लिख सकते हैं, आई वांट टू दिस बाय दिस। तो यहां पर आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा या फिर आई वॉन्ट टू दिस पर कर सकते हैं या फिर बाय दिस कर सकते हैं, पे पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉल टू एक्शन यानी कि बटन का लिंक आप जो भी देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। आप अपनी ईबुक के बारे में एक समरी भी लिख सकते हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। आप यहाँ पर पेज डाल सकते हैं, कितने पेज हैं आपके। इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर जो जो सेटिंग चाहिए वो सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं एंड उसके बाद में सारी सेटिंग करने के बाद में यहाँ पर सेव चेंज पर क्लिक करेंगे तो ये जो डिटेल है आपकी वो पूरी तरह से सेव हो जाएगी। एंड उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो प्रोडक्ट की डिटेल थी, जो भी आप जिस भी बारे में आपने अपनी ईबुक बनाई है
गया, आपकी प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पर आ गई। अब आपको आपका जो मेन कंटेंट है वो मेन कंटेंट आपको दोस्तों यहाँ पर डालना है। तो जैसे कि मान लीजिए आपकी जो ई बुक है, आपको एक ई बुक के बारे में छोटी सी समरी लिखवानी है, आपको इसी चैट जीपीटी का यूज करके यहाँ पर लिखना है राइट अ समरी अबाउट माई ई बुक। तो ये आपकी ई बुक के बारे में समरी लिख देगा, वो समरी आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में आपकी जो ई बुक है वो ये वाली जो ई बुक है इसको आप कॉपी करेंगे एंड गाइड यहाँ पर आएंगे एंड इसको पेस्ट कर देंगे। तो आपकी जो समरी, आपकी जो पूरी ई बुक है वो यहाँ पर आ जाएगी। आपको इसको अच्छे से एडिटिंग कर लेना, अच्छे से यहाँ पर इमेजेस वगैरह भी आप चाहे तो लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर चेकआउट पर जाना है एंड यहाँ पर आपको अपने कुछ ऑफर्स वगैरह यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप अपने कस्टमर को कोई ऑफर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक डिस्काउंट कोड जनरेट कर सकते हैं और वहाँ पर उसको कोई ऑफर दे सकते हैं। इस तरह से आपको सारी चीज़ें करने के बाद में यहाँ पर आपको शेयर बटन वगैरह मिल जाएंगे एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ई बुक है वो पूरी तरह से पब्लिश हो जाएगी गुमरोड वेबसाइट के ऊपर या फिर गुमरोड प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पर हमने पब्लिश पर क्लिक किया तो हमारी जो ई बुक है वो पब्लिश हो चुकी है। अब हम यहाँ पर होम पर जाएंगे एंड यहाँ पर हम प्रोडक्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट हो चुका है। यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो $1 है एंड जितनी भी सेल्स आएंगे वो यहाँ पर आपको देखते रहेंगे, जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो यहाँ पर होता रहेगा। अब दोस्तों आप जितना भी रेवेन्यू या फिर जितनी भी ई बुक्स आप इसके थ्रू सेल करेंगे उसका 10% गुमरोड आपसे लेता रहेगा आपकी इनकम से। जितनी भी आपको सेल आएंगे उसका 10% गुमरोड रहेगा और बाकी 90% वो आपको देता रहेगा। उसके बाद में जैसे ही आपकी सेल आते रहेंगे तो अब बारी आती है जो सेल का पैसा आया उसको कैसे अपने बैंक अकाउंट तक लेकर के आए। तो क्योंकि दोस्तों अब तक जो हमने काम किया था वो क्या था, पैसे अर्न करने के लिए। अब वो पैसे अर्न करके, अर्न तो कर लिया, अब वो बैंक अकाउंट में कैसे लेने हैं, तो उसके लिए आपको पे आउट पे आना है। आने के बाद में यहां पर आप देख सकते हैं एटलीस्ट $10 जब आपके बैंक अकाउंट में यानी कि इसके वॉलेट में हो जाएंगे तो उसको आप पे आउट कर सकते हैं। तो आपको अपने बैंक अकाउंट में लाने के लिए सबसे पहले इसके अंदर $10 यानी कि 10 कॉपीज सेल करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ से कमीशन अर्न कर सकते हैं, उसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट में ले जा सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों इस तरह से आप चैट जीपीटी का यूज करके एक ई बुक लिखवा करके आप इस पर सेल कर सकते हैं और यहाँ से लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। आप चाहे सेल्फ हेल्प बुक या फिर समरी सेल करना चाहते हैं या फिर किसी तरह की बायोग्राफी सेल करना चाहते हैं या फिर बिजनेस से जुड़ी कोई ई बुक लिखना चाहते हैं तो जस्ट आपको पूछना है चैट जीपीटी से, आउटलाइन लेनी है और उस आउटलाइन को स्टेप बाय स्टेप आपको चैट जीपीटी से लिखवाते रहना है और उसको एक वर्ड एमएस वर्ड में जाकर के कॉपी पेस्ट करके आपको उसको अच्छे से डिजाइन करके गुमरोड पे आना है और वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करके अपनी ईबुक को सेल करने के लिए लिस्ट कर देना है। उसके बाद वहां से आपकी धीरे धीरे सेल आनी शुरू हो जाएंगी और आपकी जो अर्निंग है वो वहां से अर्न करना आप शुरू कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि वो भी इस तरह से चैट जीपीटी का यूज करके ऑनलाइन पैसे कमा सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।